किरण खेर मेरी दोस्त है। मैं किरण खेर को 35 साल से जानता हूं और किरण ने आज तक जो कुछ भी किया है, मेहनत से किया है, ईमानदारी से किया है, शिद्दत से किया है। 5 साल पहले वो चंडीगढ़ से इलेक्शन लड़ रही थी, मैं उनके लिए कैनवेस करने आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब ने उन्हें प्यार से जिताया। उस दौरान मैंने उन्हें एक फिल्म भी ऑफर की, मगर किरण ने कहा कि भैया अनिल, मैं अब कोई फिल्म नहीं कर सकती, अभी मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन चंडीगढ़ के लोगों के लिए है। अब 5 साल के बाद वो फिर दोबारा खड़ी हो रही है और मैं चाहूंगा कि आप सब किरण खेर को दोबारा जिताएं, क्योंकि किरण खेर से बेहतर आपको एमपी चंडीगढ़ के लिए नहीं मिल सकती। वोट फॉर किरण खेर। जय हिंद। पिछले 5 सालों में क्या है कि साथ रहने की आजकल ज़रूरत नहीं होती है। आप सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू पता लग जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है। और जिस तरह का उनका अवलोकन पार्लियामेंट के में भी हुआ है कि उनको 27th प्लेस दिया बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट में और 52nd ओन पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपना काम किया। और पिछले 5 साल से घर वो बॉम्बे छोड़कर, मेरे को और सिकंदर को भी छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को उनका काम पसंद आया है, उनके कार्य प्रणाली पसंद आई है। और हम अब उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर लोगों की क्रेडिबिलिटी उनके काम से होती है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस की। पहले तो जो क्लास में फर्स्ट आता था या स्पोर्ट्स पर्सन होता था, उसकी क्रेडिबिलिटी नज़र आती थी, मगर अब हिंदुस्तान, हमारा देश जो है, उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर सिर्फ फर्जी तौर से जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको ज़्यादा देर तक आज का यूथ जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पॉलिटिशियन की एक्टिंग नहीं करो, आप पॉलिटिशियन जो है वो आपका काम है देश जनता की सेवा करना, और उस मामले में किरण जी बहुत खरी उतरी हैं।